अब इस वीडियो के अंदर गाइस हम बात करने वाले हैं फ्लोकी इनो कॉइन के बारे में। जी हाँ गाइस, पिछले कुछ ही घंटों के अंदर और कुछ ही मतलब कल से आज तक इसने कितना खतरनाक पंप लिया है, और वो भी किस लिए, क्योंकि यहाँ पर एलन मस्क ने इस पर एक ट्वीट किया था। आप स्क्रीन पर देख सकते हो, फ्लोकी हैज अराइव्ड, सिर्फ इतना ट्वीट किया है एलन मस्क ने, और आप इसका चार्ट अभी देख सकते हो कहाँ से ये कॉइन और कहाँ पहुँचा है। तो अब मैं इस कॉइन की आपको सच्चाई बताऊंगा, आखिर ये इतना ज़्यादा पंप क्यों हुआ और क्या ये आगे भी और ज़्यादा पंप होगा या नहीं होगा, क्या आप लोगों को ये अभी बाय करना चाहिए या फिर नहीं बाय करना चाहिए, तो सारी बातें हम इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। और गाइस देखिए, ये एक सिर्फ मैं आप लोगों को इसकी रियलिटी बताता हूँ कि ये कोई इसका कोई फंडामेंटल यूज़ नहीं है, इस कॉइन का कोई भी अभी फंडामेंटल यूज़ नहीं है। तो देखिए, इसकी प्राइस अभी बहुत ज़्यादा, जितनी ये चल रही थी उससे भी बहुत ज़्यादा नीचे जा सकती है, क्योंकि किसी भी कॉइन का जब तक कोई फंडामेंटल यूज़ ना हो, उस कॉइन में पैसा लगाना मतलब आपका ऐसे समझ लीजिए कि ये सिर्फ एक आपने लूज़ कर दिया, अब आपको बेनिफिट हुआ, अच्छी बात है, वरना ये आपके पास से गया। तो इस तरह से ये एक सिर्फ मेम टोकन है, और एलन मस्क ने आपने देखा है कि डॉज कॉइन को प्रमोट किया, उसके प्राइस बढ़े, जिस भी कॉइन को एलन मस्क ट्वीट कर देते हैं उसके प्राइस बहुत हाई चले जाते हैं। अब जिन बंदों ने इस कॉइन को यहाँ पे बाय करके रखा होगा नीचे, उन बंदों का यहाँ पर बेनिफिट हुआ बहुत ज़्यादा ऊपर आकर के, लेकिन जिन बंदों ने यहाँ पर इस कॉइन को बाय किया है उन लोगों की तो कसम से यहाँ पर बहुत ज़्यादा मतलब अब वो उनका पैसा फंस चुका है इस कॉइन के अंदर, तो उन लोगों के यहाँ पर अब प्रॉब्लम्स खड़ी हो गई है। अगर एलन मस्क अब यहाँ पर चांस कब बनते हैं इतना हाई पहुँचने के, जब एलन मस्क कोई नया ट्वीट कर देते हैं इस कॉइन के ऊपर, या फिर कोई इसके द्वारा न्यूज़ आती है, तब तो ये प्राइस यहाँ तक जा सकते हैं, अदरवाइज़ इसके प्राइस यहाँ से भी डाउन जा सकते हैं। मैं देखिए कोई ऐसे नहीं कर रहा, तो यहाँ पर मैं आप लोगों को डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, बट मैं रियलिटी बता रहा हूँ कि रियलिटी क्या है। ये जब तक किसी भी कॉइन का आपको फंडामेंटल यूज़ ना हो, तो उस कॉइन में आप ज़्यादा पैसा ना लगाए, ये मैंने आप लोगों को पहले भी बताया। किसी भी कॉइन का पहले यूज़ केस देखें, क्या उसका कोई यूज़ केस है या नहीं है। एकदम से कोई भी कॉइन इतना ऊपर जाता है तो जाहिर सी बात है कि वो उतनी जल्दी नीचे भी आएगा। आप भी बिटकॉइन को देख सकते हो, अभी 52,000 यहाँ पर जो डॉलर उसने टच किए थे उसके नीचे आ गया, फिर वो $42,000 पर। तो इस तरह से कोई भी कॉइन जब ऊपर जाता है तो वो नीचे भी ज़रूर आता है। तो अब मैं आप लोगों को यही बताना चाहता हूँ कि इस कॉइन का अभी कोई यूज़ केस है नहीं फंडामेंटली, और आप लोगों को ये यहाँ पर अभी बिल्कुल भी बाय नहीं करना है, अभी यहाँ पर आपका पैसा बिल्कुल फंस जाएगा। जब ये जहाँ पर जाए तो आप थोड़ा बहुत अमाउंट यहाँ पर ऐड कर सकते हो। बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि यहाँ पर आएगा, ज़रूर आएगा, यहाँ पर जो चीज़ वहाँ जा सकती है वो यहाँ पर फिर आएगी ज़रूर, बिकॉज इसका कोई इतना कोई खास यूज़ केस नहीं है। सो आप लोगों से यही कुछ रियलिटी बतानी थी इस कॉइन के बारे में। बहुत सारे लोग पागल हो रहे हैं कि इस कॉइन को बाय कर रहे हैं, तो भी यहाँ पर मैं आप लोगों को कहूँगा आपको ऐसा नहीं करना है। सो जैसे ही कोई और भी अपडेट मिलती है हमें और भी किसी कॉइन के रिलेटेड, हम आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, और यहाँ पर आपको एकदम नॉलेजेबल वीडियोज़ मिलती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।